वेलकम बैक टू मॉम्स किचन। आज हम बनाएंगे मूंग मसूर दाल की खिचड़ी। ज़रूरी नहीं है हमें ये खाने के लिए बीमारी होना पड़ेगा, बट ये खाने में बहुत टेस्टी है। इसके लिए चाहिए हमें चावल और साथ में मूंग मसूर की दाल। इसको मिक्स करने के बाद में इसे 3 से 4 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे और धो के इसे साइड में रख देंगे। और अब लेंगे हम कुकर। कुकर में डालेंगे देसी घी, इसे मेल्ट होने देंगे। मैंने सभी इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप वहाँ भी जाके चेक कर सकते हो। अब इसमें डालेंगे जीरा, जीरे को भी अच्छे से भून लेंगे कुछ इस तरह से। अब इसमें डालेंगे प्याज। प्याज आप आपकी मर्जी, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। अभी प्याज को भी मैंने अच्छे से भून लिया है, तो अब इसमें डालेंगे नमक, काली मिर्च और साथ में डाल देंगे हल्दी पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब डालेंगे हम जो चावल और दाल का मिक्सचर है वो, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने सभी इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप वहाँ भी जाके चेक कर सकते हो। अब हम ध्यान से पानी डालेंगे। पानी हमारा ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, तो वो ध्यान से डालेंगे। मैंने पानी भी मेंशन किया है नीचे, तो आप वहाँ वो भी चेक कर सकते हो। अब लगा देंगे कुकर का ढक्कन और एक विसल आने तक इसको छोड़ देंगे। अभी हमारा एक विसल आ चुका है इसको, तो थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ेंगे और जब इसका प्रेशर रिलीज हो जाएगा तो इसे देख लेंगे, चेक कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़े से धनिया के पत्ते और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब इसे कटोरी में निकाल लूंगी मैं। खाने में बहुत टेस्टी है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी रखोगे तो और भी टेस्टी लगेगा।